हाय दोस्तों, देखिए हम भिंडी का सब्जी बनाने जा रहे हैं। पहले इस तरह धो लीजिएगा पानी में, कढ़ाई में डाल के। उसके बाद इसका कटिंग कीजिएगा। देखिए इस तरह करके बीचों बीच देख लीजिएगा कि कुछ है तो नहीं अंदर में। इसी तरह देख देख के काटिएगा, इसी तरह ही अंदर में कुछ कीड़ा उड़ा नहीं हो जाए। इस तरह पूरा फाड़ दीजिएगा, फाड़ के पूरा देख लीजिएगा अंदर में कि कैसा है अंदर। उसके बाद सब्जी बनाइएगा। देखिए दोस्तों, मैंने काट के इतना सारा कर लिए हैं हम। इसी तरह पूरा बीच में का देख देख के पूरा इसी तरह काटिएगा सारा भिंडी को। आके धोने के बाद, काटने के बाद नहीं धोइएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, उसमें पानी हो जाएगा ना, तो फिर अच्छा से सब बनेगा नहीं। पूरा पानी हो जाएगा सब्जी जब भूंजिएगा उस टाइम। देखिए दोस्तों, भिंडी की सब्जी में इसमें जीरा है, गोलकी है, सरसों है, मिर्चा है और लहसुन है। और इसमें टमाटर भी ऊपर से मिक्सर में डाल के पीस दीजिएगा। इसी तरह ये सारा मसाला डालिएगा भिंडी की सब्जी में। देखिए दोस्तों, मसाला भी तैयार कर लिए हैं पीस के। देखिए दोस्तों, तेल डाल रहे हैं। थोड़ा गोरा गरम होने दीजिए, उसके बाद छोक देंगे सब्जी को। देखिए इसी तरह इसको भूनना है पूरा अच्छा तरीका से। देखिए नमक स्वाद अनुसार, हल्दी इसको अच्छा तरीका से एकदम मिक्स कर लीजिए। देखिए दोस्तों, इसी तरह भूनना है। हाँ, इसके बाद मसाला डालते हैं। देखिए उसको भी अच्छी तरह से भूनना है, फिर पानी डाल देंगे, फिर हो जाएगा। फिर उसके बाद घर में ट्राई कीजिएगा। देखिए दोस्तों, भुंजा के तैयार हो गया है। अब इसमें पानी डालते हैं। देखिए पानी डाल रहे हैं। आपको झोर झोर खाना है तो थोड़ा झोर उतारिएगा, और नहीं तो फिर हल्का सुखा दीजिएगा, अच्छा लगेगा। अब इसको ढक ढक देना है, फिर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बन के तैयार हो गया है। इसी तरह घर में बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। हमको लगता है कि आपको इस तरह पसंद आएगा जरूर, और इसे ट्राई करके देखिएगा। कमेंट सेक्शन जरूर बताइए कैसा लगा आपको।